नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां समस्तीपुर रेल मंडल के एकलौता कारखाना के निरीक्षण के निमित्त ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी बुधवार 19 फरवरी 2020 को समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों से मुलाकात किया तथा कार्य संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने लोको, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, इंजीनियरिंग आदि विभागों में अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने वाले दर्जनों कर्मचारियों को उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया। महाप्रबंधक के आगमन से पूर्व मंडल रेल प्रबंधक ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने रेलवे के निजीकरण किए जाने तथा कारखाना का किसी अन्यत्र जिला में स्थानांतरण का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे का निजीकरण करना किसी के लिए भी असंभव है। रेल का निजीकरण के बारे में की जा रही सारी बातें झूठी व बेबुनियाद है। कारखाना को कार्य आवंटित किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि अभी तक समस्तीपुर रेल मंडल का यह कारखाना प्रत्येक माह 20 वैगन का निर्माण करता रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रत्येक माह यहां से 60 से 70 वैगन का निर्माण हो इस लायक बना दिया जाएगा। वर्कशॉप कारखाना के सभागार कक्ष में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के कारखाना स्टोर शाखा के प्रतिनिधियों की वार्ता भी महाप्रबंधक से हुई, जिसमें कारखाना के विस्तार एवं विकास हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वार्ता में शाखा मंत्री रामदयाल महतो ने रेलवे के निजीकरण के सवाल पर विरोध जताया, साथ ही वैगन निर्माण से संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होने के कारण वैगन निर्माण के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करना शामिल है। मौके पर शाखा सचिव अमरजीत कुमार, अरविंद कुमार, अमित कुमार, संतोष कुमार सहित सैकड़ों कर्मचारी तथा पदाधिकारी मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। अजय कुमार मिश्रा आपके लेगा मुझे लेगा तो आपके ऐसा रहा है कि कारखाना का निजीकरण करके कहीं अन्यत्र इसका स्थानांतरण करना है क्या? ये बिल्कुल सरासर गलत खबर है जिसने भी दी आपको। ये कारखाना दिन प्रतिदिन विकास के ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पिछले साल यहाँ पे 10 वैगन का निर्माण होता था, अभी 20 वैगन का निर्माण चालू हो गया है और मैं पिछले निरीक्षण पर भी आया था और इस निरीक्षण में मैंने इसमें काफ़ी अच्छा पाया इसको और कई नए शेड बने हैं, नए वैगन बने हैं और पूरे भारतवर्ष में इस कारखाने के कार्य की प्रशंसा हो रही है। आने वाले दिनों में क्या नया कार्य भी आवंटित किया जाएगा? आने वाले कार्यों में वर्षों में इसका भविष्य उज्ज्वल है। अभी ये 20 वैगन बनाने हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आदेश दिया कि कोशिश करिए कि 75 वैगन पर मंथ बनाइए। सर ऐसा भी हो रहा है कि जैसे कि RRB अभी नई नियुक्तियां कर रही है तो क्या उसमें से यहाँ कर्मचारी मिलेंगे क्या? ऐसा है कि कर्मचारी निरंतर मिलते रहेंगे, भारतीय रेल चलती रहेगी और भारतीय रेल को चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमारे पास एक ही जरिया है RRB का, उसके थ्रू हम भर्ती करते हैं।